हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए ये मोर पंख वाले जो है पैटर्न आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये पैटर्न देखिए काफ़ी खूबसूरत है। ये राइट साइड से है और ये रॉन्ग साइड से है। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 20 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और प्लस 6। जितने भी आप फंदे रखेंगे उसे 20 के मल्टीपल में रखेंगे और प्लस 6 करना होगा और 24 रो में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए मैंने 46 फंदे लिए हैं, 20 + 20 + 6। 46 फंदे में मैं आपको बनाकर बताऊंगी। तो चलिए पैटर्न की ये फर्स्ट रो है, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए बॉर्डर बनाकर और एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी की बुनाई में कर चुकी हूँ और इसके बाद हम पैटर्न बना रहे हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, फंदे को टर्न करके ऐसे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, मीन्स जाली बनाते हुए हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे, फंदे को टर्न करेंगे, एक बार और हम जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ठीक है। फिर से तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। धागा पीछे ही रहने देंगे और इस तरह से नॉर्मल जैसे हम करते हैं दो फंदों का एक फंदा करेंगे। धागा आगे करके फिर से दो फंदों का एक फंदा, यहाँ पर जाली बनाते हुए हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे। धागा आगे और तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऐसे जाली बनाते हुए तीन फंदा सीधा, एक दो और ये तीन। अब यहाँ पर हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे, यहाँ पर हम जाली नहीं बना रहे हैं, धागा मेरा पीछे ही है और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और नॉर्मल फिर जैसे हम दो फंदों का एक फंदा करते हैं ये हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे। तो इतना दूर हमारा जो एक पैटर्न हुआ यहां तक। फिर आगे यहां से है, यहां से एक फंदा और हम बुन लेते हैं, दो फंदा यहां तक। इतना दूर जो हमारा एक पैटर्न हुआ, अब यहां से हम फिर से जो है एक पैटर्न, अगला पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर जैसे देखिए यहां पर हमने एक फंदे बुने थे पहले, तो यहां पर एक फंदा बुना, तो टोटल इस तरह से दो फंदों के, यहां पर देखिए दो फंदे घटाने के बाद हमने यहां पर टोटल हमारे तीन फंदे हो गए बुनाई किए हुए। फिर से हम यहां पर जाली वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे और बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे और बैक लूप से हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। दो फंदों का एक फंदा, फिर से तीन फंदा सीधा, एक दो और ये तीन, तीन फंदा सीधा। यहां पर फिर हम दो फंदों का एक फंदा नॉर्मल करेंगे, धागा हमारा पीछे ही है और दो फंदों का एक फंदा। फिर से धागा आगे करेंगे और दो फंदों का एक फंदा, ऐसे फ्रंट साइड से जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा। फिर से धागा आगे करेंगे और नॉर्मल तीन फंदे हम जाली बनाते हुए बना लेंगे, तो एक दो और ये तीन फंदे। अब यहां पर हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे, धागा हमारा पीछे ही है और दो फंदों का एक फंदा, फिर एक फंदा सीधा, फिर से यहां पर दो फंदों का एक फंदा नॉर्मल इधर से फ्रंट साइड से, और फिर लास्ट का ये तीन फंदा हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम सेकेंड रो। सेकेंड रो उल्टी साइड में जितने भी हमारे बुनाई होगी वो उल्टे उल्टे ही सारे फंदे बुनाई होंगे, बैक साइड से हमारी पैटर्न की कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। तो हम ये सेकेंड रो है और उल्टा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। पाते हैं हम थर्ड रो में। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ पर हम दो फंदा बुनेंगे। फर्स्ट लाइन में हमने एक फंदे बुने थे, अब यहाँ पर हम दो फंदा बुनेंगे, तो टोटल हमारे पास तीन फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे और फंदे टर्न करके दो फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, फंदे टर्न करके दो फंदों का एक फंदा करेंगे।
फर्स्ट रो में हमने एक फंदे यहाँ पर तीन फंदे बुने थे, अब इस रो में हम एक फंदे बुनेंगे और फिर यहाँ पर बैक में फंदे पीछे ही रहेंगे और दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर से धागा आगे, दो फंदों का एक फंदा इस तरह से फ्रंट साइड से, फिर से धागा आगे और तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदा हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम फंदे टर्न करेंगे, बैक साइड में ही हमारी धागे हैं और बैक लूप से हम एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, यहाँ पर फिर या दो फंदों का एक फंदा करके इस तरह से। अब यहाँ पर हमने देखिए दो लाइन में हर सीधी साइड में हमने एक एक फंदे घटा दिए, तो टोटल हमारे यहाँ पर चार फंदे कम हो गए हैं। तो ये हमारा जो है आगे जाके एडजस्ट होगा, यहाँ पर हमें जाली बनाकर फंदे को अभी मेकअप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से हम दो फंदा सीधा बना लिए। तो इस तरह से हमारे देखिए ये एक पैटर्न हुए, इसी तरह से अगली पैटर्न हम बनाते जाएंगे। देखिए एक फंदा और बुन लिए यहाँ पर, ये जाली वाला फंदे को भी हम बना लिए, तो टोटल हमारे यहाँ दो फंदे बुनने के बाद तीन फंदे बुन लिए। फिर से धागा आगे करेंगे और दूसरी पैटर्न हम बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा फिर सीधा, फिर यहाँ पर फ्रंट से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे और फ्रंट से हम दो फंदों का एक फंदा जाली बनाते हुए, धागा आगे और तीन फंदा सीधा, एक दो और ये तीन, तीन फंदा सीधा, फंदे को टर्न करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पर ऐसे दो फंदों का एक फंदा, लास्ट का ये दो फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हुई, फोर्थ रो हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर फाइव, पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर यहाँ से हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, धागा आगे, फंदे को टर्न करके ऐसे दो फंदों का एक फंदा, ठीक है, दो फंदों का एक फंदा, फिर से धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी ये तीन फंदे हैं, देख सकते हैं आप, एक दो ये तीन, ये तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, जैसे वी गले में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। दो फंदा पहले हम बिना बुने उतार लेते हैं और ये देखिए जाली बनाते हुए हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये बिना बुने हुए जो दो फंदे हैं इसे ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ये हमारे देखिए तीन फंदों का एक फंदा हो गया। फिर से धागा आगे करेंगे और इस तरह से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे, तीन फंदा सीधा प्लेन, एक दो और ये तीन, तीन फंदा सीधा, फिर यहां से फंदे टर्न करेंगे, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदों का एक फंदा, एक बार बैक साइड से एक बार फ्रंट साइड से, ठीक है। फिर यहां से तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा और फिर बाकी फिर अगला पैटर्न हम जैसे यहां से यहां तक बुने हैं उसी तरह से आगे भी बनाएंगे। रो नंबर फाइव कंप्लीट करने के बाद रो नंबर सिक्स हमने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब रो नंबर सेवन, पहला फंदा स्लिप करेंगे हम और यहां से हम एक दो और ये तीन चार, चार फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे, फंदे को टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा हम बैक लूप से बनाएंगे। ये फिर ये बीच वाला जो फंदा है हमारा इसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर यहां पर हम इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब यहां पर हम धागा आगे करेंगे और फिर यहां से हम सीधे प्लेन जो है 11 फंदे सीधा सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये 11 फंदे टोटल बुन लिए। धागा आगे करेंगे और बैक लूप से हम ऐसे फिर सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, फिर ये बीच वाला फंदा हम जो है इसे प्लेन एक फंदा सीधा बुनेंगे,
फिर इधर से हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रंट साइड से, धागा आगे करेंगे और यहाँ से बाकी के फंदे हमारे लास्ट जितने होंगे, यदि दूसरे आगे फंदे हैं तो फिर से हम 11 फंदे बुनेंगे। दो पैटर्न के बीच में हमारे यहाँ पर 11 फंदे बुनाई होनी है। अब हम बैक साइड से हैं रो नंबर 8, इसे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 9, पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहां से हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदा, धागा आगे करेंगे। फिर यहाँ पर अब ये जो 3 फंदे हैं हमारे, इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, जैसे हम वी गले में करते हैं। दो फंदा पहले हम बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पर हमारा जाली बनते हुए बन रहा है। और फिर यहाँ से ये दो फंदे जो हैं बिना बुने हुए हमने जो उतारे हैं उसे हम ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, तो 3 फंदों का एक फंदा हो जाएगा। फिर से धागा आगे करेंगे और यहाँ से हम 13 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। देखिए 13 फंदे हमने बुने, ये दो पैटर्न के बीच में हमारा जो है 13 फंदे हो जाते हैं। धागा आगे करेंगे और फिर से यहाँ पर ये 3 फंदे जो हैं, ये 3 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। दो फंदा बुने उतारेंगे, जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बुन लेंगे अगले फंदे को और इन दो फंदों को हम ऊपर से ड्रॉप कर देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, आगे तो हमारा कोई पैटर्न नहीं है, हम तो दो ही पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन आगे आपके प्रोजेक्ट में होंगे तो फिर से हम 13 फंदे बनाएंगे। फिलहाल मेरे पास 9 फंदे हैं, 9 फंदे हैं, तो इसे हम बुन लेते हैं। और उल्टी साइड से हम रो नंबर 10 जो है उसे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 11, पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहां से देखिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे पर हम आ गए और ये 15वीं फंदे जो है हमारे ये बीच वाले हैं, जो हमने यहाँ पर दो फंदे इधर से एक फंदे और इधर से एक फंदे घटाए हैं, ये देखिए नीचे से आ रहे हैं ये सीधे वाले फंदे, वहां से हम एक फंदों से हम 7 फंदे निकाले, क्योंकि हमने 6 फंदे जो है नीचे कम कर दिए हैं तो वो हमें एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर 7 फंदे हम निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे बने। देख पा रहे हैं मैं कहाँ पर निकाल रही हूँ, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से लास्ट तक तो हमारा आगे कोई पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न है तो ये पैटर्न हम अभी फिलहाल इस लाइन में तो हम प्लेन ही बुन रहे हैं। आगे यदि आपका है तो फिर से आप यहाँ पर 15वें फंदे में जो है यहाँ पर हमारा फिर यहाँ पर बनेगा, मेरा भी यहाँ पर आते हैं फिर 15 फंदे बुनकर, तो फिर से एक फंदे में हम 7 फंदे निकालेंगे, तो हमारा जितना फंदा था वापस से फिर हमारे निडिल पर उतने फंदे आ जाएंगे, ताकि हम फिर अगले पैटर्न को बना सकें। यहाँ पर देखिए ये बीच वाले हमारे फंदे हैं, यहाँ पर दोनों फंदे हमारे दोनों साइड से घटे थे, ये बीच वाले फंदे हैं, देख पा रहे हैं। अब यहाँ से सीधी सीधी आइए, अब इन फंदों से हम 7 फंदे निकालेंगे, 1, क्योंकि 6 फंदे हमारे कम हुए थे और एक फंदा हमारा ये वाला है अभी वाला, तो टोटल मिलाकर 7 फंदे हो जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हुए, 6 और ये 7 फंदा, और लास्ट का ये दो फंदा हम सीधा बुन लेंगे। और ये 12वीं लाइन है रो नंबर 12, इसे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे।
रो नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद ये देखिए पैटर्न इस तरह से बनकर निकला है। अब अगला जो है रो नंबर 13 में हम पैटर्न को शिफ्ट करेंगे। अब ये वाले जो पैटर्न हमने बनाए हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाले पैटर्न जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए हम ऐसे अगला पैटर्न जो आगे हम बनाएंगे 13 रो वो कैसे स्टार्ट करेंगे पैटर्न। अगला पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहाँ से हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे हमने सीधे बुने और यहां से फिर हम देखिए यहां से हम ये 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को ऐसे टर्न कर लेंगे और ये 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ठीक है। और ये बीच वाला जो फंदा है देख रहे हैं, ये बीच वाले फंदे को हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर यहां से हम 2 फंदे इस तरह से बनाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा। तो यहां पर हमारे दोनों साइड से एक एक फंदे कम हो गए। अब यहां से हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये वाला पैटर्न जो है हम यहां पर बनाना स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे। देखिए ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे पहले हम बैक लूप से। पहले फंदे को हमने टर्न कर लिया और 2 फंदों का एक फंदा बना लिया। फिर से धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदों का एक फंदा। देखिए हम फर्स्ट रो को याद कीजिए, फर्स्ट रो हम फिर से बना रहे हैं, 2 फंदों का एक फंदा, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा। फिर इधर से हम फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे। फिर से एक बार हम फ्रंट लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पैटर्न जो है बनना स्टार्ट हो गया है। ये वाले पैटर्न हमारे यहाँ पर बन रहे हैं और ये वाले पैटर्न हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। फिर अगले पैटर्न की ओर आते हैं। ये 3 फंदे बनाने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर फंदे टर्न करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर ये बीच वाला फंदा है देख रहे हैं, ये चेन जो बनकर निकल आया है, एक फंदा सीधा बुनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हमारा फंदा कम हो गया है। फिर यहाँ से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और ये 3 फंदा। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे करेंगे, फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा ऐसे हम बैक लूप से बना लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और फंदे को टर्न करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब यहां से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, 3 फंदा सीधा। फिर यहां से 2 फंदों का एक फंदा, धागा आगे, फिर से यहां पर देखिए ये 2 फंदों का एक फंदा, दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे करेंगे और ये लास्ट का फंदा हम फिर से जाली बनाते हुए एक बार बना लेंगे। ये हमारे रो नंबर 13 कंप्लीट हुए। रो नंबर 14 हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो नंबर 14 बनाने के बाद हम राइट साइड में आ गए हैं। अब ये देखिए बनकर इस तरह से बनना हमारा स्टार्ट हो गया। इसी तरह से जैसे हमने 1 से 12 तक बनाई, यहां पर भी हम रो नंबर 13 से जो है 24 रो तक बनाएंगे, जिसमें मैंने 13 और 14 बता दिए हैं। और 15 से लेकर 24 तक आपको यहाँ पर 3 रो से लेकर 12 रो तक आपको कॉपी करके बनाना है। तो बनाइए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।